दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों 19 दिसंबर को होने वाले IPL 2020 के ऑक्शन के लिए सभी टीमें अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो कर रही है और लगातार हम हर एक टीम की बातचीत जो है वो कर रहे हैं। और यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और बात करेंगे दोस्तों उन तीन बड़े खिलाड़ियों की जिनको जरूर से खरीदने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, 100% टारगेट करने वाली है। और अगर ये तीनों खिलाड़ी आ जाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली है आरसीबी आईपीएल 2020 में। तो दोस्तों कौन से हैं वो तीन खिलाड़ी, बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन, आरसीबी के फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि आरसीबी की टीम जीत पाएगी अपना पहला टाइटल आईपीएल 2020 में? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों आरसीबी जो है उन टीमों में से है जिन्होंने आईपीएल के सारे सीजन खेले हैं शुरू से लेकर अभी तक, लेकिन अभी तक एक भी टाइटल इनके नाम जो है वो नहीं रहा है। यहां तक कि दोस्तों लास्ट 3 सीजन से टीम तो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और इसी वजह से इन्होंने इस साल अपना पूरा सपोर्टिंग स्टाफ चेंज किया है, 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, और ऑक्शन में जो है ये टीम काफी सारे बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है, जिनमें दोस्तों इनके कई सारी रणनीतियां जो है वो निकल कर आई हैं, जिनके बारे में हमने बातचीत करी है। और यहां पर बात करते हैं उन तीन बड़े खिलाड़ियों की, तीन कंफर्म खिलाड़ियों की, जो कि अगर आरसीबी में आ जाते हैं तो आरसीबी की जो टीम है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली है। तो दोस्तों नंबर 3 पर है यहां पर रॉबिन उथप्पा जिन्हें केकेआर की टीम ने जो है वो किया है रिलीज, लेकिन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है आईपीएल में। और दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जरूरत है एक इंडियन ओपनर की, और रॉबिन उथप्पा जो है यहां पर बेस्ट पिक हो सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, जो कि दोस्तों एक विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन देंगे। ऐसे में अगर पार्थिव पटेल का बल्ला नहीं चलता तो देवदत्त पाडिकल हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं रॉबिन उथप्पा के साथ। ये काफी अच्छी जो है रणनीति रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हो सकती है अगर रॉबिन उथप्पा को ये टीम खरीद लेती है आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, और इसीलिए हमने लिस्ट में नंबर 3 पे जो है वो रखा है रॉबिन उथप्पा को। बात करें दोस्तों नंबर 2 की, तो लिस्ट में नंबर 2 पर है यहां पर पैट कमिंस, जिन्हें 100% टारगेट करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों इस टीम के पास एक भी फॉरनर फास्ट बॉलर जो है वो नहीं है, इन्होंने अपने सारे फॉरनर फास्ट बॉलर कर दिए हैं रिलीज। और अगर आप ऑक्शन को देखें, ऑक्शन में जितने भी फॉरनर फास्ट बॉलर हैं उनको देखें, तो उनमें जो सबसे बढ़िया पिक है वो रहने वाले हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल की फॉर्म में है, वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। ऐसे में अगर आरसीबी की टीम इन्हें खरीद लेती है तो ये काफी मजबूत करेंगे आरसीबी की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को, और काफी मजबूत जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बन जाएगी। तो इसीलिए लिस्ट में नंबर 2 पर है यहां पर पैट कमिंस, जिन्हें 100% टारगेट करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। और बात करें दोस्तों लिस्ट में नंबर 1 प्लेयर की, तो लिस्ट में नंबर 1 पर हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें टारगेट करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, और अपने पर्स मनी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर लगाने वाली है आरसीबी की टीम। दोस्तों पिछले कई सीजन से आरसीबी की बड़ी प्रॉब्लम जो है इनका लोअर ऑर्डर रहा है, जहां पर मिडल ऑर्डर में विराट कोहली काफी अच्छा खेलते हैं, एबी डिविलियर्स काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन एंड के ओवरों का फायदा जो है मैक्सिमम मैचों में ये टीम नहीं उठा पाती। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं इस बार ग्लेन मैक्सवेल, अगर इस टीम में आ जाते हैं तो ये टीम 100% ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर जाएगी। और अगर ग्लेन मैक्सवेल को ये टीम खरीद लेती है तो इनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि इनके पास अगर रॉबिन उथप्पा आ जाते हैं तो ओपनिंग बढ़िया हो जाएगी, मिडल ऑर्डर में विराट कोहली ये भी डिविलियर्स होंगे, और फिनिश करने के लिए एंड के ओवरों में जो है रहने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर। तो दोस्तों ये हैं वो तीन खिलाड़ी जो कि हैं रॉबिन उथप्पा, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस, जिन्हें अगर आरसीबी की टीम खरीद लेती है, आरसीबी में आ जाते हैं, तो आरसीबी की टीम जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम होगी आईपीएल 2020 की, काफी ज्यादा तगड़ी टीम जो है नजर आने वाली है। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या इन तीन प्लेयर्स को खरीदकर आरसीबी की टीम बनेगी सबसे ज्यादा मजबूत टीम? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और इनके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी आप देखना चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।